नमस्कार योग बंधु और मित्रजनों, आप सभी को फिट बने रहो में स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो पे भोजन के तुरंत बाद करने के लिए दो योगासनों को बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, वहां से आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। और आज के वीडियो में भोजन के बाद करने के लिए दो प्राणायामों को बताऊँगा। तो जिनको भी गैस बनती हो, एसिडिटी बनती हो, खट्टे डगारे आदि हो, पेट व सीने में दर्द व जलन होती हो, अपचन, कब्ज व कॉन्स्टिपेशन रहती हो, जो अभी हम भोजन के बाद करने के लिए दो प्राणायाम को बताएंगे, उनको ज़रूर करें। एक महीने तक लगातार नियमित रूप से करके देखें। डाइजेशन संबंधी समस्त विकार दूर होंगे और बहुत ही आराम मिलेगा। वैसे तो भोजन के बाद एक ही आसन को करने का परामर्श दिया जाता है, परंतु कुछ बेहद ही लाभदायक और फायदाजनक प्राणायाम भी हैं जिनको भोजन के बाद भी किया जा सकता है। कुछ सावधानी और पूर्ण विधि से किया जाए तो नुकसान तो होंगे ही नहीं, बल्कि डाइजेशन बेहतर ढंग से होने लगेंगे। सावधानी यह है कि प्राणायाम को तेज़ गति से बिल्कुल भी ना करें और ना ही पेट में किसी प्रकार का भी दबाव डालें। बस सहजतापूर्वक डीप ब्रीथिंग के साथ करना है। तो आइए पूरी बात को समझ लेते हैं। और जब हम भोजन के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम को डीप ब्रीथिंग के साथ करते हैं, दोनों नासिका क्षेत्रों से, सूर्य नाड़ी से और चंद्र नाड़ी से शरीर में एक प्रकार का उष्णता पैदा होती है, विशेषकर हमारे स्टमक में यानी पेट में एक उष्णता पैदा होती है, एक प्रकार का ताप और गर्मी पैदा होती है। उसमें एक समानता रहती है, पेट में ना ही ज़्यादा गर्मी रहती है यानी सूर्यस्वर, फिर ना ही ज़्यादा शीतलता रहती है यानी चंद्रस्वर। दोनों स्वरों में एक समानता रहती है, दोनों ही स्वर समान रूप से एक्टिव रहते हैं। और यही सूर्य स्वर और चंद्र स्वर की समानता से, उसकी उष्णता से, उसकी गर्मी से हमारे स्टमक में एक विशेष प्रकार की गर्मी पैदा होती है। नाभि स्थित पाचन अग्नि सक्रिय हो जाती है और पाचन रस भी बनना शुरू हो जाते हैं। और यही पाचन रस हमारे भोजन में घुलकर भोजन को पचाने के लिए तैयार करते हैं। और जब भोजन पाचन रस में घुलकर तैयार हो जाते हैं तो पाचन अग्नि भोजन का पाचन कर लेती है यानी भोजन का डाइजेशन हो जाता है। और फिर दूसरी महत्वपूर्ण फायदा हमने ये देखा है कि भोजन के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम को डीप ब्रीथिंग के साथ करने से, सहजता के साथ करने से गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं रहती। या फिर आपको पहले से ही गैस और एसिडिटी है, या फिर भोजन लेने से गैस और एसिडिटी बनते हैं, तो भी गैस और एसिडिटी नहीं बनेंगे। अगर बनते हैं तो 15 मिनट के प्राणायाम से ही दूर हो जाएंगे। और फिर लगातार कुछ दिनों तक करने से गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने का तरीका भी सिंपल है। भोजन के बाद वज्रासन में ही बैठ जाएं। अगर आपको असुविधा हो तो आलती पालती मारकर भी बैठ सकते हैं, परंतु सिद्धासन और पद्मासन में बिल्कुल भी ना बैठें। हाथों से कोई भी मुद्रा बना लें। आपको जैसा भी सहज लगे हाथों से मुद्रा बना लें। बाएं नासिका क्षेत्र को बंद करते हुए दाएं से जितना सहजतापूर्वक श्वास अंदर ले सके अंदर लें। और फिर श्वास को रोके बिना ही दाएं नासिका क्षेत्र को बंद कर लें और फिर बाएं से सहजतापूर्वक श्वास को बाहर निकालें। अब इसी बाएं नासिका से पूर्व रीति से श्वास को अंदर लें और फिर बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास को छोड़ें। इस तरीके से दोनों नासिकाओं से लगातार 10 मिनट तक सहजता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते जाएं। आप चाहें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। आधे घंटे तक अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने में डरे नहीं। अगर आप सहजता के साथ धीमी गति से अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं
तो शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप डरिए मत, करके देखिए। कब्ज और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बेहद ही लाभदायक है ये, और डाइजेशन तो बेहतर बनते हैं। दूसरे प्राणायाम की भी बात कर लेते हैं। कभी कभार मन खराब होने से हमारे पेट भी खराब हो जाते हैं, दिमाग में टेंशन आ जाने से डाइजेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पाता। हम भोजन तो कर लेते हैं परंतु पाचन में गड़बड़ी आ जाती है, भोजन का पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता, अपचन हो जाता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन की सभी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पेट व सीने में दर्द व जलन, गैस व खट्टी डकारे आना आदि स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो भोजन करते वक्त या फिर भोजन के बाद मन में और दिमाग में कोई भी तनाव व टेंशन ना हो तो भोजन का पाचन भी अच्छी तरह से होता है और कब्ज व कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं आती। अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है तो भोजन के बाद इस प्राणायाम को ज़रूर करें। इसे भी सहजतापूर्वक डीप ब्रीथिंग के साथ करना है। इस प्राणायाम को करने के लिए भी वज्रासन में ही बैठ जाएं या फिर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। दोनों कानों को उंगलियों से बंद कर लें ताकि आपको दूसरे की आवाज़ सुनाई ना दे और सिर्फ स्वयं की ही आवाज़ सुनाई दे, जिससे मन एकाग्र व शांत हो जाता है। इसी स्थिति में भ्रमर की गुंजन को शुरू करें। आंखें भी बंद कर लें। सहजतापूर्वक एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। श्वास को अंदर लें और भ्रामरी प्राणायाम को शुरू करें। जैसे जैसे गुंजन करते जाएंगे आपका मन शांत होता जाएगा, तनाव रहित होता जाएगा, टेंशन व डिप्रेशन दूर होते जाएंगे और डाइजेशन बेहतर ढंग से होने लगेंगे, तो कब्ज व कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं रहेगी। इसे भी भोजन के बाद 10 मिनट तक अवश्य करें। आप चाहें तो समय को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम को करने से बहुत ही आनंद फील होता है, मन शांत हो जाता है। तो 10 मिनट की बजाय हम कभी कभी आधे घंटे तक भी कर लेते हैं। अगर आप चाहें आप भी आधे घंटे तक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ऑल वाले नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसे नई नई और भी वीडियो मिलते रहें। आपको मेरे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर एंड थैंक यू।